बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि गो डैडी वेबसाइट के ऊपर हम लोग किस तरह से पिक्सल जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो गो डैडी के ऊपर जाना है और इसको जो है वो साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आप लोगों ने जो भी वेबसाइट होगी, यहाँ पे एडिट वेबसाइट की ऑप्शन मौजूद है, एडिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो राइट साइड के ऊपर जो ऑप्शंस आ रही हैं, वेबसाइट थीम सेटिंग्स, इसमें से आप लोगों ने ये सेटिंग्स की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन इसको जो है वो करना है आप लोगों ने, और स्क्रॉल डाउन करते हुए ये आपके पास फेसबुक पिक्सल की जो है वो ऑप्शन आ रही है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पिक्सल आईडी जो होगी वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है। तो ये पूरे पिक्सल कोड में से पूरा पिक्सल कोड जो है वो ऐड करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, सिंपली आप लोगों ने इस आईडी को जो है वो कॉपी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको जो है वो आप लोगों ने पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, पब्लिश नाउ की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है और इस तरह से आपका पिक्सल जो है वो गो डैडी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल जो है वो हो जाएगा। तो अभी जो है वो इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि हमारी जो है वो ये पिक्सल जो है वो एक्टिव हो गया या नहीं। अच्छा जी, पिक्सल हेल्पर पे जाके जो है वो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो पिक्सल आईडी एंड हो रही है 5051 पे, तो 5051, तो ये पिक्सल जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल जो है वो हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना पिक्सल जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो गो डैडी वेबसाइट जो है उनके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं।